नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यू वैकेंसी के बारे में। न्यू वैकेंसीज भारतीय वन जीव संसाधन की ओर से निकल कर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है 2023 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन इसमें आपसे मांगा है, किस तरीके से आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ऑल ओवर डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कितनी आपकी यहाँ पर सैलरी होने वाली है, टोटल कितनी पोस्ट है, सारी चीज़ हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी जॉब अपडेट रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप लोगों से मिस ना हो जाए, सबसे पहले आपको जॉब अपडेट्स मिलती रहे। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट में डिटेल्स बता देता हूँ। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, भारतीय वन जीव संसाधन की ओर से वैकेंसी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप पद देख सकते हैं, आपको पदों का यहाँ पर नाम भी देखने को मिल जाएगा। MTS की यहाँ पर जो पोस्ट है सहायक ग्रेड की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाती है। अगर आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेशर और अनुभव दोनों ही यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है दोस्तों, आवेदन करने का तरीका जो है यहाँ पर ऑफलाइन है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। ऑफलाइन यहाँ पर जो है आप लोग करना है, आपको पूरा फॉर्म भरना होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी यहाँ पर इसमें लगने वाले हैं वो सारे आपको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर एड्रेस पर सेंड करने होंगे, फिर आप लोग शॉर्टलिस्ट होंगे। पद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कितने पद हैं और आयु सीमा यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। योग्यता यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग मांगी गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 4 पद है, जिसमें 18 से 27 वर्ष यहाँ पर मांगा गया हुआ है। उच्च शिक्षा यहाँ पर मांगा गया, देख सकते हैं, उच्च विद्यालय, ठीक है। उसके बाद एक स्तर यहाँ पर केवल वेतन आप देख सकते हैं। ऐसी सहायक ग्रेड 3 की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, टेक्निकल की आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तकनीकी सहायक की आपको देखने को मिल जाएगी एक पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर की आपको देखने को मिल जाएगी एक पोस्ट, वरिष्ठ तकनीकी की यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पर अधिकतम 40 वर्ष मांगा गया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर जो है BSc अगर आपने किया तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे तो MSc या स्नातक 55% अंक या BTech समक्ष न्यूनतम 9 वर्ष का अनुभव यहाँ पर आपसे मांगा है, तो ये बड़ी पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके का नोटिफिकेशन निकाला गया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको कितना वेतन दिया जाएगा यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पर सैलरी आपकी होने वाली है। चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखित परीक्षा के माध्यम से कराया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो भी इसमें नोटिफिकेशन जो भी डिटेल्स अपडेट आती रहेगी आपको सबसे पहले चैनल पर बता दिया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आवेदन आपको यहाँ पर जो है ऑफलाइन ही करना है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लिफाफे में यहाँ पर जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने होंगे, ठीक है। कहाँ पर पहुँचाने होंगे, यहाँ पर आप एड्रेस देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया हुआ है। आवेदन भेजने आने पर रजिस्टर कार्यालय भारतीय वन्यजीव संसाधन देहरादून, यहाँ पर जो है पिन कोड के साथ सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर जो है आप ये भी देख सकते हैं, नौकरी का आवेदन करने के उम्मीदवार को 700 रुपये की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर जो है महिला उम्मीदवारों को 200 रुपये यहाँ पर आपका पैसा लगने वाला है, ठीक है, इसकी फीस लगने वाली है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। जिसको यहाँ पर जो है आपको DD बनवाना होगा, जैसे आप देखेंगे डिमांड ड्राफ्ट या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के निर्देश भारतीय वन जीव संसाधन देहरादून के पक्ष भुगतान आदेश के माध्यम से। कृपया आवेदन फीस के संपूर्ण जानकारी के लिए अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो ये नोटिफिकेशन है जो कि इंग्लिश में दिया गया हुआ है, ठीक है। आप दोनों ही में यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। वैकेंसीज़ में आपको बता चुका हूँ, बाकी यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए आपको इंग्लिश हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यह सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 7 पेज का ये PDF यहाँ पर जारी किया गया हुआ है। अलग अलग यहाँ पर जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग एज क्राइटेरिया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर पोस्ट निकल कर आ रही है आप लोग के लिए, ज़रूर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। नो कॉरस्पॉन्डेंस फॉर इंक्वायर विल बी एंटरटेन्ड इन एनी मैनर, तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपकी कितनी फ़ीस लगेगी वो मैं आपको बता चुका हूँ, किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ऑफलाइन पूरा मोड है यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, किस तरीके से यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होना है। तो देख सकते हैं द क्वेश्चन पेपर के बारे में, यहाँ पर मल्टीपली चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, MCQ, ठीक है। यहाँ पर जो है 100 मल्टीपली क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाने लेवल 12 के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर आर इंग्लिश इन हिंदी, दो लैंग्वेज में यहाँ पर आना है, ठीक है। 70 यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो MCQ में यहाँ पर जो है आपसे पूछे जाने हैं। बाकी यहाँ पर 30 मार्क्स के ऐसे होगा आप लोग का, ठीक है, जो कि आपको लिखना होगा। तो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आप असिस्टेंट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए एंड लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं, कितना समय दिया जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद कितने क्वेश्चन पे कितने मार्क, और बाकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है यानी वो भी यहाँ पर दिया गया है, 1/2 विल बी डिडक्टेड, तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई हुई है। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ देख सकते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश हिंदी टाइपिंग यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है, असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं। तो ऑफलाइन यहाँ पर जो है वो मोड है,
सेल्फ अटैच करके सर्टिफिकेट्स आपको पहुँचाने होंगे, ठीक है। सारी आपको समय सीमा से पहले यहाँ पर पहुँचाने होंगे, 30 तारीख लास्ट डेट है। इससे पहले अगर आप पहुँचाते तो यहाँ पर जो है आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग लेट नहीं कीजिएगा, इसमें यहाँ पर पहुँचा दिएगा अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो। बाकी कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको बता दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, ज़रूर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, अगर आप लोग क्वालिफिकेशन में इसके फिट बैठ रहे हैं तो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।